हाय एवरीवन, आज का जो वेबिनार है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम 25 लाख प्लस अर्न कर सकते हैं ईयरली। और मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि सिर्फ ऐसे ही ओरली बोल दी या कुछ भी नहीं, हर एक चीज को रियलिटी में चेक करेंगे, एक एक चीज का प्रॉपर हम प्रूफ देखेंगे। करेक्ट है। और कोई भी चीज ना, मतलब आपको लग सकता है बहुत बड़ी अमाउंट है कि सर ऐसे कैसे 25 लाख रुपीज पर ईयर कैसे अर्न कर सकते हैं, आप कर सकते हो अगर आप राइट एफर्ट्स देते हो, सही गाइडेंस आपको मिलती है और उन चीजों को जो मैं बता रहा हूँ आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप 25 लाख भी अर्न कर सकते हो। और एक सीक्रेट बताऊं, मैं आपको जो कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ वो मैं 25 लाख से कहीं गुना ज्यादा बताने वाला हूँ। सिर्फ 25 लाख इसलिए सो देट आप थोड़ा सा बिलीव भी कर पाओ कि अरे ठीक है। तो चीजें देखते हैं रियलिटी में सारी चीजें, एक एक चीज को बड़ी प्रूफ के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इस वेबिनार को कौन ज्वाइन कर सकता है। देखो, कोई भी कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप का। तो यहाँ पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस एज ग्रुप के, किसी भी एज ग्रुप के, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, वर्किंग में है, स्टूडेंट है, कोई भी इसको अटेंड कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे हम बात करेंगे उसमें अर्निंग के दो मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। पहला मेथड हमारा रहेगा, मैं ये टैग पे सारी चीजें देख के आपको बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे बात करेंगे ना, मतलब वो एक तो वेबिनार थोड़ा लेंथी होने वाला है, सो इट विल बी लाइक 40 मिनट्स के अराउंड जा सकता है। तो पहले जिसको लग रहा है ना डर कि 40 मिनट्स भी नहीं दे सकते हैं डेडिकेटली कि सीखने के लिए, सो वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी रातों रात अमीर बनने वाली ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एफर्ट्स देने होंगे, टाइम लगेगा, बट हाँ इतना आप अचीव कर सकते हो। और ये जो वेबिनार है, मतलब जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है कि वो आपकी कंप्लीटली थिंकिंग ही चेंज कर दे, आप तक आपने उस चीजों के बारे में उस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पे उन्हीं चीजों के बारे में हम प्रॉपरली बात करेंगे। अब एक चीज बताइए कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितना अर्न करता है। एक फ्रेशर की बात करते हैं, आपके ब्रदर होंगे या रिलेशन में कोई भी होंगे जो ग्रेजुएट अभी हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट करी है, ऑन एन एवरेज कितना, 8,000, 10,000, 15,000 एक पर्सन इतना ही एवरेज अर्न करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर भी एक बड़ी अमाउंट बोल दी है, 10,000 से 30,000 रुपीज की, जो कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो मैक्सिमम केसेस में, आई एम नॉट सेइंग 100%, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही होता है कि वहां पे आप 10,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे होते हैं। रियलिटी अगर अब जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से देखना है, ये जो कैलकुलेशन मैं करने वाला हूँ ये 60 years के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब जो अगर अभी आप ये वेबिनार देख रहे हैं तो 20-30 years के आप रहेंगे मैक्सिमम जो भी व्यूअर्स है, तो 20-30 years के अगर आप हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 60 years की लाइफ हमारी रिमेनिंग है, क्योंकि 80 से ऊपर लाइफ बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अब 80 के अराउंड फिनिश हो जाता है सब कुछ। सो यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 60 years की, अब देखो सबसे पहले मैंने बात करी है कि हमारा एक अपना ड्रीम होता है कि हमें एक होम चाहिए, अपना होम चाहिए। अगर अभी आप पेरेंटल होम में भी हैं तो एक रिक्वायर्ड होता है कि हाँ कुछ टाइम बाद हम इसको बड़ा करें या अपने और अच्छा सा घर हो। सो वहां पे अगर हम बहुत नॉमिनल हाउस की बात करते हैं, बहुत नॉमिनल, किसी हाईफाई हाउस की बात नहीं कर रहे, तो एक छोटा सा प्यारा सा होम भी 60 लाख रुपीज का आता है, बहुत नॉमिनल छोटा सा। एक आप पूरे लाइफ में एक बार कार लेने का रहोगे, और कार भी मैं किसी फरारी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत स्टार्टिंग लेवल की, तो 5 लाख रुपीज आपके उसके चार्जेस हो जाएंगे। स्टडी पूरी लाइफ में, चाहे आप अपनी स्टडी बात कर रहे हैं या नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे स्टडी के अगर पूरे साल में देख, मतलब लाइफ में देखते हैं स्टूडेंट की, तो बहुत कम से कम बता रहा हूं मैं कि 25 लाख। वैसे तो कॉलेज की एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि अगर कोई सही कॉलेज में आप एक्सपेंस स्टडी करने जा रहे हो तो कॉलेज ही इतना चार्ज कर लेते हैं, तो जो स्कूलिंग कोचिंग वगैरह की फीस है वो तो अलग ही हो जाती है। एमरजेंसी सेविंग अगर मैं 60 years में बात करता हूँ तो 15 लाख रुपए एक है। नॉर्मली हम बात करते हैं तो मेडिकल एक्सपेंसिस या कोई एमरजेंसी आ गई तो उस केस में नॉर्मली आप सोचो तो एक पर्सन पूरी लाइफ में कभी ना कभी एक बार बड़ा उसको एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है हेल्थ रिलेटेड। तो अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर्स है तो 4 मेंबर्स का टोटल बहुत नॉमिनल चार्ज मैं बता रहा हूँ। मैरिज चाहे आप अपने या अपने नेक्स्ट जनरेशन की या ब्रदर सिस्टर की, किसी की भी सिंगल मैरिज भी अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख उसमें एक्सपेंस हो जाता है। वैकेशन और लाइफ एंजॉयमेंट, अब यहाँ पे वैकेशन से मतलब ये नहीं कि कहीं घूमने जाना है हमें दूर, मैं छोटी छोटी सी बात करता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ तो 700 रुपए पर मंथ आपका खर्च हो जाएगा ना, चाहे आप एक सिटी से दूसरी सिटी किसी से मिलने जा रहे हैं या आप पेट्रोल वगैरह के एक्सपेंसेस आप जॉइन कर सकते हो जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा हो गए हमारे, 700 रुपए बहुत नॉमिनल चार्जेस है। आप होटल में खाने जा सकते हो या अपने फास्ट फूड वगैरह के फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के, तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस 700 रुपीज पर मंथ
बहुत नॉमिनल, मतलब एक चीज देख रहे हो, जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं रियलिटी से 50% पे कर रहा हूँ, मतलब रियलिटी इसकी अगर आप चेक करेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा होती है। और अदर एक्सपेंसेस अगर हम मान के चलते हैं कि आपके जो फैमिली के अपने एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपका फूड एक्सपेंसेस है, खाने का, लिविंग एक्सपेंसेस है, कपड़े वगैरह, वो सारी चीजें एक बेसिक एक्सपेंसेस अगर हम मानते हैं आज के टाइम पे, तो 8,000 पर मंथ हमारे रहते हैं। तो इन सब का टोटल जो हमारे पास आया है वो 1.8 CR आया है। और ये तब है जब मैंने सारी चीजों को बहुत नॉमिनल वैल्यू पे लेके चले, मतलब अपनी पूरी लाइफ के लिए हमें 1.8 CR चाहिए, और एक्चुअल में देखा जाए तो इसका शायद हमें 3 टाइम्स चाहिए होगा एक्चुअल में, अगर रियलिटी की बात करते हैं। एक पर्सन जो 15,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं और साल के कितना 1,80,000, तो इसको रिकवर करने के लिए 100 साल चाहिए। 100 साल, 100 साल की तो लाइफ ही नहीं बची है। मतलब अब रियलिटी में सोचो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी अगर आप 15,000 रुपये में अर्न कर रहे हो तो 15,000 रुपये में आपका काम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा अर्न कर रहे हो तो रियलिटी को समझ के चलना कि खर्चे इससे कई गुना ज्यादा होने वाले हैं। तो ये तो बहुत बेसिक है, आप अपनी प्रैक्टिकल चीजों को देख के चल सकते हो। और एक और बात बताऊं, इसमें इन्फ्लेशन को हमने कंसिडर नहीं किया। चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी इनकम भी अकॉर्डिंगली थोड़ी बढ़ती रहेगी ओवर द टाइम। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हर साल थोड़ी थोड़ी इनकम भी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। तो 15,000 में मान के चल रहा हूँ, तो 15,000 आप मान के चलिए कि लास्ट तक 60 साल तक 15,000 ही, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से लगभग कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं सिखाया जाता, फाइनेंशियल एजुकेशन कभी दी नहीं जाती है। बस पढ़ो 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 और उसके बाद लग जाओ, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए जहां पे भी बस काम करना है। कैसी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब है या नहीं है, उससे मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। आज तक क्यों आपके सामने किसी ने ये कैलकुलेशंस नहीं रखी, आपने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि कभी किसी ने इस तरफ आपका ध्यान शायद नहीं दिया। फिर इसके बारे में मतलब अब मैं अपना इंट्रो भी दे देता हूँ, वैसे जो स्टूडेंट जानते हैं दैट्स परफेक्ट, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए पीयूष गुप्ता। डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम मेंबर ऑफ आईसीआई। आईसीआई इज अ सी ए इंस्टीट्यूट, सो आई एम मेंबर ऑफ सी ए इंस्टीट्यूट। सो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, सो आप अपने आप रीड कर सकते हो। सो मतलब ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने 50,000 लिखा है, बट एक्चुअल में अगर मैं रियलिटी में बात करूँ तो अराउंड 90,000 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, और शायद उससे कहीं ज्यादा होंगे, बट इतने तो एटलीस्ट है। तो ये कुछ डिटेल्स थी मेरे बारे में। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस डिटेल्स, आई एम शेयरिंग दिस डिटेल्स बिकॉज आपको भी पता होना चाहिए कि आप किसी को सुन रहे हैं तो क्या वो जो चीज बता रहे हैं ट्रस्टवर्दी होंगी भी या नहीं होंगी, कि मतलब सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट किया जाना भी चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सो दिस वॉज वन अवार्ड जो सौरभ गांगुली सर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है या नहीं है। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट में लिख के बताइए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको क्या लगता है कि आउटडेटेड हो चुका है या नहीं, मतलब जो हमें पढ़ा रहे हैं वो रियलिटी में चाहिए कुछ और, मतलब हम पढ़ कुछ और रहे हैं, पढ़ा कुछ और रहे हैं। एक ये रिपोर्ट है, देखो डीएनए इज अ न्यूज रिपोर्ट, मतलब एक वेबसाइट है, पोर्टल है जो ऑनलाइन न्यूज का, वहां पे नीति आयोग, गवर्नमेंट आई थिंक नीति आयोग का ही था ये, गवर्नमेंट की खुद स्टडी कहती है 90% स्टूडेंट्स वर्क रेडी नहीं है, मतलब उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो जॉब ओरिएंटेड है ही नहीं, कंपनी में जो जरूरत है वो कुछ और। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो अभी टाइप करिए एग्री, फटाफट टाइप करिए, मैं एक बार चेक कर दूं, फटाफट फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम अगर मैं ऑनेस्टली कहूं तो एक सिस्टम होता है कि किसी और को ब्लेम करो और बात खत्म। एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम किया, ओके तो बात खत्म। ये रियलिटी है कि हम 19th सेंचुरी का सिलेबस पढ़ रहे हैं जो 19th सेंचुरी में लिखा गया था। पढ़ाने वाले मैक्सिमम टीचर्स वो हैं जो हमें मतलब अभी एजिड हो गए हैं, तो 20th सेंचुरी के, तो कुछ प्लस पॉइंट्स हैं उनके पढ़ाने के, कुछ माइनस पॉइंट। प्लस जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद जॉब पे है, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उनका कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप ही एंटरप्रेन्योर नहीं है, जॉब पे है। और इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम किसी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं ना, तो वहां पे टीचर्स को प्रॉपर सैलरी भी पे नहीं करी जाती जिसके लिए वो कैपेबल होते हैं, या सैलरी इतनी कम होती है कि वहां पे कैपेबल टीचर कभी उस पोस्ट पे आएंगे नहीं। जब टीचर्स ही कैपेबल नहीं होंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे वो आपको एजुकेशन कैसे देंगे।
तो एक तो एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम, ऊपर से फिर सैलरी की प्रॉब्लम, वहां पे टीचर्स का एजुकेशनल उसमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होने की प्रॉब्लम, तो वहां पे हमें फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए मिलती ही नहीं है। और फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे सिलेबस में मुझे नहीं लगता है वैसे भी है, एंटरप्रेन्योर का एक कुछ स्कूल्स में चलता है एक सिलेबस सीबीएसई की तरफ से, अदरवाइज नहीं है। और उसमें भी क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं बस आप ही को पता है। और गलती सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, स्कूल्स की नहीं है, गलती आपकी भी है। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मतलब जो भी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सीबीएसई है या कोई और है, तो वहां पे वो हमें पूरा फोकस रखती है, मतलब प्रैक्टिकल्स उस पे भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। और प्रोजेक्ट्स को आप कैसे करते हैं आपको पता है ना, हमें सिखाया ही गया है कि बस मार्क्स ले गया, मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, उसके पीछे चाहे कुछ भी हो रहा है डजेंट मैटर, मार्क्स आने चाहिए, वही पुराना हमारा का पूरा एक कंसर्न रहता है। तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसको तो हम भूल ही जाते हैं पूरी तरह से। एक ये पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, एजुकेशन सिस्टम में ना प्रॉब्लम क्या है, 25 इयर्स की एज तक हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है पढ़ो 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 एजुकेशन लो, हमें प्रॉपरली ये बताया नहीं जाता है कि हमें पढ़ना किस तरह से, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे अर्न कैसे करना है, क्या हमारे पास स्कोप है, बस जो सिलेबस है उसी को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है और उससे ज्यादा हम उससे आगे सोचने की कोशिश नहीं करते। अगेन आई एम सीइंग एज अ स्टूडेंट हमारी मिस्टेक है। मुझे एक बार फिर से आप लिख के बताओ कि क्या आप इस चीज को एग्री करते हो, यस लिखना अगर आप एग्री करते हो कि यहाँ पे आपकी भी मिस्टेक रही है, आपने भी मैक्सिमम केसेस में 100% नहीं तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल आपका भी है कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने की चीजें पे ट्राई नहीं किया, आप भी सेटल हो गए, यस लिखो फटाफट। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है कि 25 ईयर्स एज तक तो कहेंगे कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा बेकार है, पैसा बेकार है। और जब 25 साल का होके अगर कोई एक पर्सन अच्छी जॉब नहीं ले पाता है ना, तो उसी को वही सोसाइटी निकम्मा कहती है, तो फिर उसको कहती है कि ये सेटल नहीं हो पाया, एक मेंटल हैरेसमेंट इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में उस बच्चे के बहुत ज्यादा, तो वो मतलब पूरी लाइफ से ना एकदम ऐसा डीअटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। आई एम अगेन सेइंग अगर आप स्टूडेंट हो तो पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, अर्निंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपका मेन फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, शॉर्टकट्स छोटे टाइम में अर्न कर लें उन चीजों पे नहीं होना चाहिए, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जहाँ पे 100% मतलब डेडिकेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे सीए वगैरह के कोर्सेज हो गए, वहां पे तो मैं कहूंगा कि पहले कोर्स अपना करो फिर उसके बाद अर्निंग के बारे में सीखो, दैट्स ओके, क्योंकि वो कोर्स ही इतना डेडिकेशन आपसे मांगता है, टाइम की आपको वहां पे नहीं मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जैसे कि ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन मैक्सिमम केसेस में या एलएलबी वगैरह की भी बात कर रहे हैं, तो रियलिटी आपको पता है आप पूरे दिन में कितना पढ़ते हैं, तो क्यों जब आपके पास टाइम है तो अर्निंग की स्किल्स क्यों डेवलप नहीं करते। अगेन आई एम सेइंग स्किल्स डेवलप करके अर्न करना एक बहुत बड़ी चीज क्या है इंडियन सोसाइटी में, आपको दिखते रहेंगे चल तू भी शेयर कर मैं भी शेयर कर, तो 25 रुपए तुझे मिलेंगे 25 रुपए मुझे मिलेंगे, शॉर्टकट चाहिए अर्न करने का। बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं जो आजकल बच्चों को बहका रही हैं कि एक फ्रेंड को जोड़ मैं भी जोड़ूंगा, तुम अपने फ्रेंड को जोड़ो, आधा तुम्हें मिलेगा आधा मुझे मिलेगा, कोर्स कुछ नहीं है उनके, किसी तरह से कोई सिस्टम नहीं है, बस बहकाने वाला, क्यों शॉर्टकट दिख रहा है वहां पे, शॉर्टकट नहीं, स्किल्स सीखो उसके बाद फिर अर्न करो, दैट्स टोटली ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कोविड ने एक चीज तो हमें सिखा दी है कि हमें ना कोई प्लान बी जरूर चाहिए। हम कहते थे ना कि जॉब रिस्क फ्री है, जॉब कर लो बस एक सेटल हो जाओगे, आपको रिस्क नहीं है बिजनेस में, बड़ा रिस्क है। एक चीज तो पता चल गई कि ठीक है रिस्क थोड़ा कम है बट रिस्क जॉब में भी है, एक हमारे पास प्लान बी होना चाहिए, करेक्ट है ये बात, एग्री करोगे इस बात से। और अगर हम कोविड जो टाइम पीरियड हमारा रहा इसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन से करियर सबसे ज्यादा ग्रो करें, तो इसमें दो सिस्टम हमारे सबसे ज्यादा ग्रो करें, पहला है टैक्सेशन और अकाउंटिंग। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने इस पीरियड में स्टार्ट किया है ना अपने टैक्सेशन में, उन्होंने इस चीज पे देखा होगा कि बहुत ज्यादा बूमिंग हुई है। मतलब कहने की बात है कि बिजनेस डाउन हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया, ये सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अभी आ गया आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि बिजनेस कम कुछ नहीं हुए थे, नुकसान होते हुए भी बहुत सारे सेक्टर ग्रो करे थे। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, काफी सेक्टर डाउन होते हैं तो कुछ सेक्टर उसका फायदा उठाते हैं, तो टोटल मिला के हमारी इकोनॉमी सेटल डाउन हो जाती है, मतलब एक लेवल पे आ जाती है। तो इसी टाइम पे सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर दो सेक्टर्स को मिला है तो उनमें से एक तो टैक्सेशन और अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी, जॉब नहीं कह रहा हूँ कंसल्टेंसी, और सेकेंड जो बेनिफिट मिला है वो मिला है एजुकेशन सेक्टर को, अगर उसका सही से बेनिफिट लिया गया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में लोग अवेयर हुए हैं कि हाँ उनको सीखने की जरूरत है, अपनी स्किल्स डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है, और फ्री टाइम था
तो उस टाइम पे जो एक टाइम था ना, मतलब पहले एस्टिमेशन था कि ऑनलाइन को एक्सेप्ट करेंगे 2030 के अराउंड तक जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो 7-8 साल पहले हो गया। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे 2022 तक पूरी तरह से वो लेवल आ जाएगा। तो आज जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाला हूँ वो दोनों अपॉर्चुनिटीज इसी सेक्टर से, मतलब ये लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो एवरग्रीन है दोनों ही। तो यहाँ पे पहला स्टार्ट अपनी करो टैक्सेशन और अकाउंटिंग में, अपना करियर क्यों स्टार्ट नहीं करते हो आप। और दूसरा क्या, स्मार्शियस के एजुकेशन पार्टनर का ऑप्शन, ये एफिलेट प्रोग्राम नहीं होगा एजुकेशन वाला। आगे मैं इन दोनों के बारे में ही बात करूंगा अब पूरे वीडियो में कि इससे कैसे आप 25 लाख रुपीज से कई गुना ज्यादा अर्न कर सकते हो। 25 लाख रुपीज अगेन मैं स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत ज्यादा उसके मैं कई गुना ज्यादा आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ। तो एफिलेट मार्केटिंग जो चल रहा है ना मार्केट में, वो नहीं है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कैसे है वो सब हम चीज देखेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दोनों चीजों में आपको कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, स्किल्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। स्किल्स में मतलब अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और वो भी बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करने के। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, आप पैसा FD में लगाओगे 5% मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाओगे 8-10% मिल जाएगा, लॉस भी होता है वहां पे। शेयर मार्केट में लगाओगे तो या तो बड़ा मिलेगा या कम होगा, बढ़ गया तो कितना मिलेगा आपको, 40% 30-50%। बिटकॉइन वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी, अभी तो गवर्नमेंट ने काफी उसको रेगुलेट कर दिया। मतलब तब भी मैं कहता हूँ कि इस तरह की अनरेगुलेटेड चीज है तो वहां पर रिस्क है, जुआ है। जुए में तो आप कितना भी कमा लो, क्योंकि मैं एक चीज कहूंगा 99% लोग उसको एज अ गैम्बलिंग ही कर रहे हैं बिना किसी सिस्टम के। बस देखा ये बढ़ रहा है पैसा लगा दो। बहुत 1% ही लोग शायद ऐसे होंगे जो पीछे के कंसेप्ट समझ के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। बट अगर आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हो, ना तो उसमें कभी नुकसान होगा, वो कभी आपसे जाएगी नहीं, कोई छीन नहीं सकता। और अगर आप में टैलेंट है ना, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे से ग्रो कर ही लोगे, अर्न कर ही लोगे। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन और अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहले टैक्सेशन और अकाउंटिंग में, अच्छा मुझे एक काम करो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट मुझे ये बताइए, आप कॉमर्स से हैं या नॉन कॉमर्स? ठीक है ना, अगर आप कॉमर्स से हैं तो सी लिखना, नॉन कॉमर्स से हैं तो NC लिख देना। ठीक है, नॉन कॉमर्स NC, फटाफट लिखो। एक बार कॉमर्स के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नॉन कॉमर्स के भी हैं बट कॉमर्स के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। तो ओके, ये जो कोर्स है, मतलब जो भी मैं करियर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कोई भी कर सकता है, डजंट मैटर कि कॉमर्स है या आपका नॉन कॉमर्स है। और यहाँ पे आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। CA के बारे में सुना है ना, अपना ऑफिस ओपन करके प्रैक्टिस करते, तो लगभग लगभग वैसे ही बात है। और यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स 40 लाख तक अर्न कर रहे हैं। मैं आपको उनके भी पूरे डिटेल्स शेयर करूंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं कि कह दिया, कुछ भी कह दिया और होगी बात, नहीं। हर चीज के पीछे का आपको एक्चुअल लॉजिकल कैलकुलेशन करके मैं सारी चीजें शो करूंगा। और देखो एक और इम्पोर्टेंट जो फोर्थ पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पे वो है, मैं हमेशा हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि हमारा लाइफ में पर्पस होता है, किसी भी करियर को ज्वाइन करने के 3 पर्पस होते हैं, पैसा, रेस्पेक्ट और फेम। मतलब हमारी पैसा हमारे पास होना चाहिए, एक्सेप्ट करो ना करो, किसी भी करियर को ज्वाइन करने के पीछे हमारा एक पर्पस होता है कि हमें वहां से एक अच्छी अर्निंग होगी, अर्निंग अच्छी होगी तो एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा। रेस्पेक्ट भी चाहिए, रेस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर तो चोरी वगैरह कर लेंगे ना, रेस्पेक्ट भी हमें चाहिए। बट उसके अलावा एक और क्या, फेम, मतलब लोग हमें हमारे काम के लिए जाने, जानते तो चोर को भी है बट रेस्पेक्ट के साथ जाने। तो ये 3 चीजें जरूरत होती है और ये 3 चीजें आपको इसमें मिलती है। पता है क्या, 12th पास आउट स्टूडेंट्स जो होते हैं जब इसमें करियर बनाते हैं ना, आपने शायद दीप रॉय का इंटरव्यू देखा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करियर अपने इसमें बहुत अच्छे से सेटअप कर लिया, बट मैं कुछ रीजंस के कारण उनके इंटरव्यू अभी तक नहीं ले पा रहा था, यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया था, सिर्फ 2-3 ही अपलोड किए थे। बट नाउ आई विल बी ट्राइंग टू रिकॉर्ड मोर इंटरव्यू सो दैट आपको उनके एक्सपीरियंस सीखने को मिल सके। तो आने वाले टाइम में ओवर द टाइम आई विल ट्राई, कमिट नहीं करता हूँ बट ट्राई करूंगा। सो दीप जैसे 12th पास आउट थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th पास आउट और इसमें अपना करियर बनाया। अब क्या होता है, छोटी सी उम्र, मतलब एज क्या 19-20 एज के, और बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, बैंक के मैनेजर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर बैंक में जाते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोन का जब आप डील कर रहे होते हैं तो आप उनको बिजनेस दे रहे हैं तो मैनेजर आपको कंप्लीटली रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, वो आपको चेयर देते हैं, कहते हैं सर बैठिए आप। तो मतलब जो एक रेस्पेक्ट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैसा इंपॉर्टेंट है,
बट इक्वली इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट भी है। जो रेस्पेक्ट में खुशी होती है ना, वो एक अलग चीज होती है। तो ये करियर आपको वो रेस्पेक्ट देता है। अब यहाँ पे आती है कैलकुलेशन कि इससे कितना अर्न कर सकते हो। ये जितनी भी कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेट करी है ना, ये मैं रफली 10 क्लाइंट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब 10 क्लाइंट्स एकदम शायद नहीं आएंगे, हो सकता है, डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर। वैसे तो मैं, अगर आप जैसे जो स्टूडेंट्स कोर्स कर रहे होंगे ये वाले, तो उनमें मैंने पूरी आपको बताया है कि क्लाइंट्स कैसे आप बनाओ। तो 10 क्लाइंट बहुत इजी टास्क होता है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। और अगर आप इमिडिएटली नहीं भी बना पा रहे हो, तो ठीक है, 5 महीने 6 महीने बाद तो इतना बन जाएगा ना। साल भर में तो बना ही लोगे आप, हर महीने एक क्लाइंट को तो ऐड कर ही लोगे ना, तो भी साल में आपके 12 क्लाइंट्स तो हो गए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर दो। चलो अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको रेफरेंस और चीज दे देता हूँ। यहाँ पे टैक्सेशन और अकाउंटिंग लिखा है, इसका पर्पस क्या होता है, मतलब वर्क क्या होता है। टैक्सेशन और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का देखो क्या है कि स्कोप बहुत ज्यादा है। अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि हिसाब किताब रखना, जहां पे भी बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व हुआ ना, वहां पे उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा, कुछ अपने लिए कुछ गवर्नमेंट के लिए। अब एक मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरे अंदर में इतनी टीम है, अब वो पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो मुझे हिसाब तो चाहिए होगा ना। कि अब मैं रोज रोज अपनी जेब से तो पैसा नहीं खर्च करूंगा, मतलब इन द सेंस कि अगर किसी को 10 रुपए खर्च करने हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो मेरे पास है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैनेज करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनी को सोचो, तो वहां पे ये पूरा सिस्टम चल रहा है, तो उसका हिसाब किताब रखना कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस, उसकी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। और टैक्स, बिजनेस रजिस्टर बाद में होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स पहले शुरू हो जाती है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, इनकम टैक्स का टैक्स पे करो, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। तो मतलब हर बिजनेस को अकाउंटिंग और टैक्सेशन तो चाहिए चाहिए, चाहे उनको इंजीनियर डॉक्टर और नहीं चाहिए। एक स्कूल भी है ना, वहां पे भी टैक्सेशन चाहिए। वहां पे क्या इंजीनियर है क्या? नहीं है। वहां पे क्या डॉक्टर है क्या? मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं होते, किसी किसी में तो ठीक है। तो मतलब रिक्वायरमेंट्स तो हर बिजनेस में इसकी है। तो आप वहां पे उनका टैक्स भी मैनेज कर रहे हो, तो गाइड कर रहे होते हो कि कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, क्योंकि वो मैंडेटरी है पे करना। तो बिजनेस बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने, अगर आप सोचोगे ना, अपनी कॉलोनी में एक बार सोच लो, अपने एरिया में कितनी शॉप्स है, कितने लोग हैं हर फैमिली में जो जॉब कर रहे हैं, वो सारे आपके क्लाइंट बन सकते हैं। एक बार वीडियो, मतलब एक बार मैं कहूंगा, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप आईज बंद करके एक बार सोचने की कोशिश करो, एक बार आराम से सोचो, ठीक है। रफली कितने आए होंगे एक बार कमेंट करना, कितने लोग ऐसे होंगे शॉप, एक छोटे से एरिया में सोच लो सिर्फ अपनी कॉलोनी में, और वहां पे एम्प्लॉयज भी कितने होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, एक बार फटाफट कमेंट करो कि कितने आपको लगता है, ठीक है। वेरी गुड। सो ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा कि अगर आप नॉर्मल उसमें सोच लो, और कुछ नहीं, 20-30 तो आराम से आपके मिल ही जाएंगे। अगर आप उन्हीं को अपने क्लाइंट बना ले, तो 20-30 क्लाइंट तो आपकी कॉलोनी कॉलोनी से आ गए, और यहाँ पे तो पूरा इंडिया आपका क्लाइंट बन सकता है। सिर्फ अपनी लोकेशन का नहीं सोचना, बहुत सारे सोचते हैं कि सर हम तो छोटे से गाँव से, छोटे से गाँव से हो तो उसके अपने बहुत एडवांटेजेस है, वहां पे जो फायदा मिलेगा ना, वो किसी और जगह नहीं मिलता है। तो वो सब कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी खैर टू द पॉइंट आते हैं। देखो जीएसटी का अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आई एम सेइंग आपके पास 1 महीने में 10 क्लाइंट आए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने, आपने उनसे 2,000 रुपीज चार्ज करे। अगेन आई एम सेइंग 2,000 इज अ वेरी नॉमिनल फीस, इससे नीचे कम पे आपको काम नहीं करना चाहिए। देखो तो स्टार्टिंग में एक दो बार कर रहे हो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बात अलग है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के 3,000 या उससे ऊपर आप आराम से चार्ज कर सकते हो। बट फिर भी मैं नॉमिनल चार्ज ले रहा हूँ 2,000, 2,000 10 क्लाइंट्स के, ठीक है। अब आप 12 महीने करोगे, तो 1 महीने का हिसाब बताया ना मैंने, सो यहाँ पे कितना हो गया आपका 20,000 रुपीज पर मंथ, पूरे साल के कितने हो गए 2,40,000 रुपीज। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, रिटर्न फाइलिंग 20 क्लाइंट की कर रहे हो, आपके पास 20 क्लाइंट है, 20 क्लाइंट में 1,000 रुपये आप चार्ज कर रहे हो। अब वैसे तो इससे ज्यादा चार्ज कर लेने चाहिए और पे करते हैं, अगर आप में टैलेंट है ना और आपको स्किल्स पता है कि कैसे चार्ज करना है, आपको पे करेंगे। बट स्टिल आई एम टेकिंग लोअर साइड, 2.4 लाख रुपीज आपकी ईयर की होगी, क्योंकि वही अगेन 20,000 रुपये महीना हो गया, 2.4 लाख रुपीज आपके साल की होगी। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ, अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर हर महीने 10 क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं ना, 10 क्लाइंट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो हर महीने आपके क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? वो क्लाइंट ने रजिस्ट्रेशन आपसे कराया तो रिटर्न फाइलिंग भी आपसे कराएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चलता है। हर महीने 10-10 ऐड हो रहे हैं, तो तीसरे महीने में 30 क्लाइंट हो गए, फिर 40 क्लाइंट हो गए, अगर मैं ये एवरेज मान के चल रहा हूँ कि हर महीने आप 10 को ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे उस चीज को तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा, अगर उस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो अलग ही लेवल पे चले जाओगे आप। सो वो बेनिफिट तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया। फिर आईटीआर फाइलिंग की बात कर रहा हूँ, आईटीआर फाइलिंग में मैं मान के चल रहा हूँ आपने महीने में 15 क्लाइंट्स की आईटीआर फाइल करी। अब ये क्लाइंट कहाँ से आएंगे? जो जीएसटी फाइल करा रहे हैं
वो आईटीआर तो आपसे फाइल कराएंगे ही कराएंगे, 20 क्लाइंट की रिटर्न आप है उनके आईटीआर भी आप फाइल करो, 20 में से मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 है जो एक महीने में करा रहे हैं, साल भर में मतलब इसके ज्यादा हो जाएंगे। तो ठीक है, अब सर ये तो सिर्फ इतने हुए, उनकी फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको बताओ फायदे बताओ, उनकी फैमिली मेंबर्स से आईटीआर फाइल कराओ, और आईटीआर जितने ये सैलरी एम्प्लॉयज होते हैं ना वो आईटीआर कराते हैं, वो जीएसटी नहीं कराते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ ये साल में एक बार का काम होता है इनकम टैक्स का, बट क्लाइंट ना पूरे साल आते हैं क्योंकि ऑन द टाइम पीरियड पे वो आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो 1.8 लाख रुपीज यहाँ से आ सकते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग करना, 20 क्लाइंट कह रहा हूँ पूरे साल में बस 20 ही क्लाइंट है आपके पास, उनसे उनका अकाउंटिंग का काम आप करोगे। वो एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं, 15,000-20,000 रुपए देते हैं, आप उनको कहो ये काम मैं करूंगा ऑफिस में बैठ के अपने, और आपसे कराएंगे क्योंकि वो आपसे जीएसटी भी करा रहे हैं, इनकम टैक्स भी करा रहे हैं, तो उनके ऊपर आपके ऊपर ट्रस्ट है उनको, और भी बहुत सारी तरीके से आप उनको कन्विंस कर सकते हो, वो कोर्स में मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पे अगर आप उनसे 20 क्लाइंट भी है ना, अब जिस जो पर्सन 15,000-20,000 रुपए दे रहा है उससे आप 4,000 रुपए ले रहे हो, तो वो आपसे बड़े आराम से कराएगा, और 4,000 बहुत कम है, 7-8,000 रुपए तक आप ले सकते हो। तो 9.6 लाख तो बुक कीपिंग से ही आ गया, बुक कीपिंग में बहुत अर्निंग है, और 4,000 रुपए बहुत ज्यादा नॉमिनल फीस है। अगेन आई एम सेइंग इंश्योरेंस का काम है, इंश्योरेंस में आपको 30-40% मिल जाता है, और इसमें 5 लाख रुपए मैंने नॉमिनल लिखा है, इससे काफी ज्यादा अर्निंग का स्कोप है अगर आप प्रॉपरली करते हो। तो इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंश्योरेंस का आप फिर सेपरेटली देख सकते हो। एमएसएमई, वेबसाइट डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग पावर पॉइंट से, इन सब चीजों से 5-10 लाख कमा सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट से ना आप एक लोग इसमें अपना प्रॉपर करियर बनाते हैं, तो ये सारी चीजें करके भी आप 5-10 लाख कमा सकते हो, मतलब 26-31 लाख रुपए तो इसी से हो गए। अब मैं तो ये कह रहा हूँ इसको आप 30 लाख आ रहे हैं ना इस कैलकुलेशन के हिसाब से, 30 लाख मत लो, इसका 50% ही कर दो। आपको अब भी कहीं पे लग रहा है ना कि फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं सर, या तो अमाउंट बड़ी है या इतने क्लाइंट्स नहीं आएंगे, जबकि बहुत छोटी है फिगर्स है, बट अगर आपको लगता है तो ठीक है 50% कर दो, 15 लाख रुपए तो तब भी आपके पास है, और कम कर दो 12 लाख तो तब भी है, इससे कम तो क्या ही करोगे अभी। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि कोर्स किया और एकदम नोट छपने शुरू हो जाएंगे, नहीं, एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अर्न कर रहे, तब मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे अर्न कर रहे हैं, 50,000+ मैक्सिमम स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो महीने के 5-6 लाख भी अर्न कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो महीने के 10-15,000 रुपए अर्न कर रहे हैं। हाँ, बट इतना है, 20-25,000 रुपए महीना से नीचे तो मतलब ही नहीं है, एक्सेप्ट तब कि स्टूडेंट बिल्कुल ही कुछ करने को रेडी नहीं है। तो हाँ, स्टार्टिंग में 3-4 महीने का टाइम लग सकता है, बट उसके बाद 20-25,000 रुपए बहुत नॉमिनल चीज है अर्न करना महीने के। और जो अगर कोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स के रिगार्डिंग, अभी मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, तो कोर्स अगर लेने में ना मैक्सिमम अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब इस टाइम जो सेशन है हमारा, रिकॉर्ड वर्ड की ऐसी आदत पड़ गई अभी, तो ये जो अभी मतलब जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 15,890 का सबसे बड़ा कोर्स है 15,890 का, और इसकी इसके अंदर 14 कोर्सेज हो जाते हैं, सारी की सारी जो चीजें मैंने बताई ना सब कवर, मतलब 6 कोर्सेज का पे कर रहे होते हो 8 फ्री, इतना तो आपको एक क्लाइंट पे कर जाएगा पूरे साल में। एक क्लाइंट अगर आप उसकी जीएसटी की रिटर्न ही फाइल कर रहे हो, तो 12,000 रुपए तो वो दे गया ना आपको साल के, 2,000 का उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स भी फाइल करोगे और बुक कीपिंग करने लग गए, तो बस प्रॉफिट में आने शुरू होगी एक क्लाइंट से। और जो स्किल्स है वो बहुत हाई लेवल स्किल्स है। अब जो मैं बात कर रहा था ना स्कोप की, देखो ये अब यहाँ पे मैं जो इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इमेजेस गवर्नमेंट की न्यूज की है, ठीक है। इंडिया को 20 लाख+ टैक्स कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो जीएसटी कलेक्शन जो है ना 1.23 लाख करोड़ का, 1.23 लाख करोड़ है। और ये पता कब किया, मार्च 21, मतलब कोविड का प्राइम टाइम जो था 21, पुरानी न्यूज है ये, तो उस टाइम पे 27% की एनुअल ग्रोथ हुई है। कोविड के टाइम पे लोग सोच रहे थे बिजनेस डाउन है, इंडिया की इकोनॉमी में फर्क आया, इस सेक्टर में कहां करियर होगा टैक्सेशन वगैरह में, उस टाइम पीरियड पे ये सबसे ज्यादा ग्रो करा है। मैंने कहा था ना आपको, मैं बताऊंगा, अगर बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो मतलब वहां पे आपके पास इनकम भी ज्यादा है, क्लाइंट्स ज्यादा हैं। इंडिया के पास मतलब अभी तो इससे ज्यादा हो चुके हैं, 9.48 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स है। ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, पुराना स्क्रीनशॉट है, अगेन आई एम सीइंग, सॉरी, 9.48
टैक्स पेयर्स। अब और टैक्स एडवाइजर्स कितने, मेरे ख्याल से 2-3 लाख होंगे, सीएस वगैरह को मिला के, चलो मैं एडवोकेट वगैरह को सबको मिला लेता हूँ, तब भी 15 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा, और 9.5 करोड़ टैक्स पेयर्स है। स्कोप आप खुद सोच सकते हो, मतलब मुझे इसमें बताने की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है आपको। अच्छा, अब जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, मतलब अच्छा आप में से एक बार मुझे बताना, फटाफट ही बताना, क्योंकि मैं बार बार फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि आगे बात करने, क्योंकि ये लॉन्ग होने वाला है और मुझे उसकी टेंशन नहीं है इस सेशन के लॉन्ग होने की, क्योंकि अभी तक जिनको कुछ करना ही नहीं है वो छोड़ के जा चुके होंगे, जाने वाले होंगे, तो जो सीरियस है वही लास्ट तक मोमेंट तक देखेंगे, सो आई एम टोटली फाइन विद दैट। फिल्टर आउट करना कहते हैं इसको। तो अभी तक आपने देखा होगा ना, मैंने अभी तक किसी भी चीज के बारे में लास्ट तक जो चीजें हैं, लास्ट में जो बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें एकदम डिस्क्लोज नहीं करी है। क्यों? जो मेहनत करने के लिए रेडी है उसको ही लास्ट में डिस्क्लोज करके फायदा है। जो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज है इसमें बहुत सारी चीजें आपको मतलब यहाँ पे बेनिफिशियल रहती है। एक बार स्क्रीनशॉट फट ले लो आप, ठीक है, जो मैं फटाफट लिखने को कह रहा था वो रह गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से पढ़ लेना। बहुत तरीके से ये कंप्लीटली यूनिक है। मतलब अभी तो क्या है ना कि यहाँ पे एक तो कोर्स क्या है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में 0 लेवल से भी सीख सकता है, फर्क नहीं पड़ता किस बैकग्राउंड से, एडवांस कोर्स भी 0 लेवल से साइन करे हुए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं साइन करता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्यों है, आपने शायद दूसरी पहले भी मुझे दूसरी वीडियोस में कहते हुए सुना होगा, जो ये टैक्सेशन और अकाउंटिंग का काम है इसमें सीए को एक्सपर्ट माना जाता है। अब अगर आप एक्सपर्ट से सीख रहे हो तो आपको नॉलेज ज्यादा होगी ना, किसी ऐसे ही इंस्टीट्यूट से सीखा आपने सिर्फ सर्टिफिकेट पर्पज के लिए, चाहे वो किसी से ऑथराइज है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। कंपनी को डाउट होता है पता नहीं कहां से सीखा होगा, हर कॉलोनी में तो इतने इंस्टीट्यूट ओपन है, डाउट होता है। यहाँ पे जब आपने सीए से सीखे, क्योंकि सर्टिफिकेट पे मैं क्लियरली सीए पीयूष गुप्ता लिख के साइन करता हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया ये सिंगल सर्टिफिकेट है जहाँ पे ऐसा है, तो वहां पे आपको एक बहुत हाई वैल्यू मिलती है। अभी मतलब इस तरीके से समझो ना, आपने डॉक्टरी सीखनी है, सर्जरी सीखनी है, और सर्जरी के लिए मेरे पास आ गए हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको साइन करके दे रहा हूँ, क्या होगा? उसके थ्रू आप अप्लाई करो कहीं पे जॉब के लिए, क्या होगा? वो हंसेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर आप टैक्सेशन और अकाउंटिंग का कर रहे हो, किसी से ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी आप अपने आप ही समझ सकते हो। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, मैं जो आपसे पूछ रहा था, मुझे ये लिख के बताओ अभी कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोर्सेज कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो आई लिखना, आई लिखना फटाफट, क्योंकि आगे बढ़ना है। ओके, चलो ठीक है। तो ये वाला जो आपको सर्टिफिकेशन वाले के बारे में, इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब जो बात करने वाला हूं, ये मैं बात करने वाला हूं स्मार्शियस एजुकेशनल पार्टनर के बारे में, ठीक है, अर्न बाय सेलिंग स्मार्शियस कोर्सेज। अब मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छे से, मतलब अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो दो चीजें का बेनिफिट मिलता है। एक तो आपको क्या इनर सेटिस्फेक्शन होता है कि आप कुछ कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, और सेकेंड आपको अर्निंग। अब ठीक है, आपके पास आपको करियर अपना कुछ और बनाना है, कुछ और सेट करना है, आप अपने आप कोर्सेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दैट्स टोटली फाइन। सो आप यहाँ पे जो इतने हाई क्वालिटी कंटेंट है उनको सेल करके भी अर्न कर सकते हो। अगेन, इट्स नॉट एन एफिलिएट प्रोग्राम एग्जिस्टिंग ना इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 25+ सेलर्स हैं जो हमारे कोर्सेज सेल कर रहे हैं, और हाई लेवल सेलर्स। जैसे कि एग्जिस्टिंग सेलर्स में अगर मैं बताता हूँ, बाइटेस सीरीज एक स्क्रीनशॉट है, मतलब वहां पे भी कोर्सेज हमारे सेल होते हैं, वो करते हैं, लेक्चर वाला, जीरो इन्फी, ठीक है, फिर कॉन्फ्रेंसा, ये कुछ जो है सबके नहीं, उडेमी, सीए क्लब इंडिया, सो इस तरीके से बहुत सारे हैं। अगर मैं प्लान कर रहा था, मतलब इससे पहले जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इससे पहले कि पेड फ्रेंचाइजीज ही रखूं, मतलब अभी जो फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया पेड फ्रेंचाइजी रखूं, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं जो इसी इंडस्ट्री में, उनको ऐड करूं। उससे क्या होता है कि एक ना मतलब फ्रेंचाइजी फीस हम चार्ज कर सकते हैं, अगर हम किसी को पे कर प्रॉपरली फ्रेंचाइजी देते हैं तो 60,000 रुपीज से 2 लाख रुपीज बहुत इजिली हम चार्ज करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको उसके हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छी मिल जाती है। एक तो ट्रेनिंग नहीं रिक्वायर्ड होती उनको देने के लिए, मतलब हम उनको ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उनको सब कुछ पहले से आता है, वो ऑलरेडी हाई सेल एक्सपीरियंस है, उनको पहले से पता है कि कोर्सेज को कैसे सेल आउट करना है, और उनको 20% से 30% अगर हम पे करते हैं, सो
दे आर मोर देन हैप्पी. और स्पेशली जो हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है ये तो बहुत इजिली सेल आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक है, यूनिकनेस है कि उसके जैसा अभी कोई और नहीं है एट प्रेजेंट. सो देन व्हाई, ऐसा क्यों है कि मैं ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप सबको दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स है. देखो यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी. पहला तो जो है ना बहुत सीरियस रीजन है, मतलब आपने कुछ टाइम पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे कि एफिलिएट मार्केटिंग के अगेंस्ट मैंने एक वीडियो प्रिपेयर करी थी. अब उसमें भी मैं आपको कहूंगा एफिलिएट मार्केटिंग बुरी चीज नहीं है. एफिलिएट मार्केटिंग बहुत कॉमन और बहुत पुराना सिस्टम है. बड़ी बड़ी से वेबसाइट, जितनी भी आप टॉप वेबसाइट देखेंगे स्पेशली ई कॉमर्स में, उन सबके एफिलिएट प्रोग्राम रन होते हैं. अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, सब दैट्स टोटली ओके. बट लास्ट वन से टू ईयर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो दो तीन वेबसाइट्स ऐसी आई हैं जो स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रही हैं एफिलिएट प्रोग्राम के नाम पे. वो क्या कहती हैं कि हमारे कोर्सेज हैं, स्टूडेंट को कहती है आप फर्दर सेल करो, आप लेट से आपने 8000 में सेल किया, इसमें से 70% हम आपको दे देंगे. वो सिर्फ 30% रखेंगे, 30% इंक्लूडिंग जीएसटी और सब, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा ऊपर वो कोर्स बिकेगा ना, उसमें जान प्राण है नहीं, क्योंकि कोर्स के अंदर अपने कुछ है नहीं क्वालिटी. अब उनको बेचने के लिए यही सिस्टम चाहिए. अब एक्चुअल में क्या करना था उनको, तो प्रोग्राम ही सिंपल रन करना था कि बस एक दूसरे को जोड़ते रहो, पैसे कमाओ, 30% तो हमारा हो गया, 70% तुम रख लो, मुझे क्या फर्क पड़ना. बट उसको लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि वो इलीगल हो जाता, उन्होंने एक कोर्सेज का डमी कोर्सेज कहूंगा मैं उनको एक तरीके से, उन्होंने वो सिस्टम जनरेट कर दिया. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन्होंने टारगेट जो कर रहे हैं ना, वो टारगेट कर रहे हैं लगभग 22 से नीचे एज वाले स्टूडेंट्स को. क्यों? वहां पे स्टूडेंट बहुत अनअवेयर होते हैं, मतलब मासूम जिसको मैं कहूंगा ना, वो वाले एज होती है, उनको जैसा गाइड करो वो वैसा हो जाते हैं. और बस उसके बाद क्या था, फेक स्क्रीनशॉट शेयर करना, मैंने 10 दिन में 10 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाए, रील्स रन हो रही है, कमाना है इनबॉक्स करो, ये करो. और उनके कोर्सेज आप खरीद ही नहीं सकते हो नॉर्मली, क्योंकि वो पता है वो बिकेंगे ही नहीं. तो ये मिस गाइडेंस जो चल रही थी बहुत ज्यादा चल रही थी. सो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प स्टूडेंट्स कि जिनको अर्न करना है उनके आगे लिए ऑप्शंस नहीं दे पा रहा. तो यहाँ पे एक ऑप्शंस दिया और उससे मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है. अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो करो, यहाँ पे मेहनत लगेगी, वहां पे तो फ्रॉड करना है आपको, आपको बहकाना है लोगों को. वो ट्रेनिंग भी इसी चीज की देते हैं कि आप पेरेंट्स तक जाने ना दो, अपने सामने वाले जो स्टूडेंट है उसको जाने मत दो, आपने पेरेंट्स से आज तक पूछ के कुछ किया है क्या जो आज कर रहे हो, तो अपने आप ही पैसे लो, उधार लेके लगाओ, इस तरह से करो. तो वो सब सिस्टम था. आपको कमाना है, सीखो, कमाओ. बिना सीखे शॉर्ट टर्म धोखा देके खुद बहकावे में आके और अगला आगे किसी को बहका के कमाना गलत है. तो उसका ही मैंने ये एक अल्टरनेट आपके लिए लेके आया हूं. प्लस इसमें क्या है कि ये आपकी स्किल्स इंप्रूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है वो आपको ऑलरेडी पता है. ये कंटेंट ऑलरेडी इतना हाई क्वालिटी का है कि हमेशा ओपन है, आप विदाउट एफिलिएशन भी इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो सेल आउट होता है, उसमें हमें किसी भी तरीके के एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है. और ये कोर्सेज ऐसे हैं जो कभी भी सेल पुश करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, स्टूडेंट सामने से आते हैं और परचेज करते हैं. तो एफिलिएट वर्सेस स्मार्टशेस में यही सबसे बड़े डिफरेंस है कि स्मार्टशेस का जो हमारा मेथोडोलॉजी है ये फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम हो गया एक तरीके से. जैसे अगर हम बात करते हैं डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, इन सब का देखा है ना, वहां पे क्या होता है, डोमिनोज एक कंपनी है उसकी आपने फ्रेंचाइजी ले ली, या कोई क्लोथिंग में अगर आप ले लेते हैं आपने किलर की ले ली या फिर किसी भी कंपनी की, तो वहां पे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, सीसीडी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो सेल तो आप ही कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने उनकी फ्रेंचाइजी ली. अब फर्दर आप एफर्ट्स कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट है, कुछ है उसकी क्वालिटी, जो सामने पर्सन जो आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि अरे भाई मैं लूंगा तू भी कमा मैं भी कमाऊंगा, वो इसलिए नहीं आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे अगर आप किसी को रेफर करोगे, किसी को सेल आउट करोगे, तो अर्निंग होगी कि ठीक है आप किसी और को रेफर कर रहे हो, तो वो पर्सन भी फर्दर किसी को रेफर करके अर्न कर सकता है. दैट्स अ सेकंड थिंग. मैं उसके लिए कभी कहूंगा ही नहीं कि आप सिर्फ उस पर्पज से लिए किसी को जोड़ो. आप इसलिए वो पर्सन अगर आ रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोर्स के अंदर वो कंटेंट है, क्वालिटी, उनको करियर दिखेगा कि यहाँ पे करियर में कितनी अपॉर्चुनिटीज है. तो यहाँ प्रोडक्ट है, सो दैट्स द फ्रेंचाइजी सिस्टम. मैं इसी को किसी को पेड में देता, यहाँ पे ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. मीन्स आपको कोर्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करना होगा, तो अकॉर्डिंगली फिर आप इसको ले सकते हो. अब यहाँ पे और कैसे डिफरेंट है, ये इजी टू सेल है, मतलब मोनोपोली है, ऑल ओवर इंडिया सिंगल ऐसे कोर्स है. देखो मैं क्लियरली कहूंगा, टैक्सेशन और अकाउंटिंग सिखाने वाले काफी टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और अगर मैं ऑनलाइन मोड में भी बात करता हूँ तो काफी टीचर्स हैं.
बट स्टिल ये कोर्स बहुत बहुत तरीके से डिफरेंट है. पहला तो ये कि जिस तरीके से जो एजुकेशन मतलब करिकुलम है, जो सिस्टम है, जो लैंग्वेज है, जो पैटर्न है, वो अपने आप में इसको यूनिक बनाता है. तभी इतना अवार्ड विनिंग कोर्सेज, मतलब इतने सारे इन कोर्सेज के बेसिस पे अवार्ड्स मिल चुके हैं. सेकेंड, इसमें सर्टिफिकेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलता है. प्लस चलो ये तो उसके फीचर्स हो गए या ओके है, यहाँ पे जो कोर्स है वो ऐसा है कि जो अर्निंग ओरिएंटेड बनाता है. बाकी जगह क्या हो जाता है, आपको मतलब नहीं है बच्चे को क्या सीखने को मिल रहा. नहीं, आईटीआर सीख लो, आईटीआर का कोर्स है, आईटीआर सीख लो. अरे भाई आईटीआर सीखने के क्या करेगा, आईटीआर तो डेटा एंट्री है, उसके पीछे जब तक लॉजिक नहीं पता है तो वो कभी आप ग्रो नहीं कर सकते हो. यहाँ पे हमने दोनों चीजों पे बैलेंस फॉरवर्ड मतलब किया, तो डायरेक्टली अर्निंग ओरिएंटेड है ये. ऑल ओवर इंडिया सिर्फ ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद स्टूडेंट डायरेक्टली अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, मतलब सीए के अंदर में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और मतलब लैक्स ऑफ रुपीज अर्न कर पा रहे हैं. अगेन आई एम सेइंग हर कोई नहीं, बट हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं. क्योंकि देखो जो भी चीज है फ्रेंकली मैं आपके सामने उसको क्लियर रखना चाहता हूँ. मैं ये नहीं कहूंगा कि सब अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको मतलब ये रिक्वायरमेंट सभी स्टूडेंट्स की है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इनकी नॉलेज चाहिए चाहिए, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा. अगर आप चाहे जॉब में जा रहे हो चाहे कुछ भी, क्योंकि कॉलेज में जो सिखाया होता है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई बेकार है वहां पे, लेकिन जो सिखाया है वो थ्योरेटिकल सीखा होता है, हमने प्रैक्टिकल नहीं सीखा होता है. जॉब में कुछ और ही चाहिए, अकाउंटिंग की जॉब में जा रहे हो तो वहां पे सबसे पहले आपको कहेंगे टैली आता है क्या, एक्सेल आता है क्या, जीएसटी आता है क्या, इनकम टैक्स आता है, तो इसके बिना आप काम ही क्या करोगे. कोई आपको पे कर रहा है वो इसलिए तो नहीं कर रहा है कि आपके पास क्या डिग्री है, वो इसलिए पे कर रहा है कि वो आप उनका काम करके पाओ. फिर हाई क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, अर्निंग ओरिएंटेड है, जो मैंने आपको बताया कि अकेला ऐसा कोर्स है. नो जॉब विदाउट दिस स्किल, वो मैंने आपको बताया दिया. स्मॉल इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, मतलब जो मैंने बताया था ना, ऐसे सबसे महंगा कोर्स पे अगर आप गोल्डन क्लब भी लेते हो तो सिंगल क्लाइंट आपको उतना अर्न करके दे देगा. तो कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो इस प्राइस पे इस क्वालिटी का इन तरीके के सर्टिफिकेशन के साथ 14 कोर्सेज आपको 15,000 रुपीज समथिंग में मिल रहे हैं. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी कहा था, बेचने की जरूरत नहीं, आपको सेल्समैन नहीं बनना है. यहाँ पे स्टूडेंट सामने से खरीदेगा. अब एक चीज और देखो कि सिर्फ अवेयर करने की रिक्वायरमेंट है, मैं भी आपको अवेयर करता हूँ. ये वेबिनार हो गया हमारा या इससे पहले आप जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उसमें आपको अवेयर करता हूँ. आप अपने आप से परचेज करते हो. ऑल ओवर इंडिया इतने थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो परचेज कर रहे हैं. वो कैसे? ऑटोमेटिक कर रहे हैं. मतलब ऐसा तो नहीं ना हम फोन कर करके अजी सर जी वो कोर्स खरीद लो खरीद लो. नहीं, आपने अगर कभी भी देखा भी होगा तो मैक्सिमम केसेस में अगर आप कॉल करते हैं तब हमारी तरफ से सामने से आपको कॉल बैक आता है. अपने आप से हम सबको नॉर्मली कॉल नहीं करते हैं, या फिर ऐप में हमें लग रहा होता है कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम सामने से कॉल करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे ऐप के अंदर, तो वहां से डिटेक्ट हो जाता है कि ये स्टूडेंट बार बार कोर्स देख रहे हैं बट शायद परचेज करने में. सो हम सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. अदरवाइज ये नहीं कि अननोन नंबर पर कॉल कर करके ले लो, कॉल कॉलिंग चल रही है वो सब चल रही है. नहीं, क्योंकि पता है स्टूडेंट्स को समझ में आएगा तो वो सामने से परचेज करेगा. तो यहाँ पे आपको उन कोर्सेज की तरह नहीं जहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन है, क्वालिटी यानी बेचना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, वो सब नहीं है. अच्छा, जो यहाँ पे रेफरल सिस्टम में है, ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम में कहूंगा, पार्टनर प्रोग्राम में, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, तो इसमें मेनली तीन कोर्सेज की हम इंक्लूड करके चल रहे हैं. टैक्स एक्सपर्ट और एक अकाउंट एक्सपर्ट का भी कोर्स है, उसका सिस्टम जीएसटी वाले की तरह ही रहेगा जो उस कोर्स को जानते हैं, तो उसके सारे बेनिफिट जीएसटी की तरह है, तो मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया. पहला है हमारा जीएसटी का एडवांस कोर्स. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 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 स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना बाद में. बाकी स्मार्शियस कॉमर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पे भी सारा कुछ देख सकते हो. ऐप नहीं मिलेगी तो लिंक में मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, और सीए पीयूष गुप्ता सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो एक ब्लैक कलर में बर्ड बनी हुई होगी तो वो ऐप ओपन कर लेना, ओपन करके दिख ही जाएगा वहां पे. इसके अलावा एक कोर्स है सुपर एक्सपर्ट कोर्स. सुपर एक्सपर्ट कोर्स में एक्चुअल में क्या है कि आपको सारी नॉलेज मिल जाती है, मतलब पांच कोर्सेज की, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल और टैली में भी ईआरपी 9 और प्राइम आपको फ्री मिल रहा होता है, ठीक है ना. तो मतलब इस कोर्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टैली प्राइम के दो वर्जन रहते हैं तो वो भी आपको फ्री मिल रहे होते हैं. इन कोर्सेज में कौन सा अच्छा है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर रखी है, उसको देख लेना, क्योंकि अदरवाइज ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा सेशन, करेक्ट है. और फिर सबसे ऊपर इसके बाद बात आती है गोल्डन क्लब की. तो गोल्डन क्लब टॉप नोच है, हाईएस्ट सेलिंग कोर्स यही है, क्योंकि 6 कोर्सेज का आप पे कर रहे होते हो यहाँ पे और आपको साथ में 8 कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं. 1.5 साल तक आपके पास सारा कंटेंट रहेगा, 1.5 साल तक मेरी तरफ से आपको पर्सनल सपोर्ट रहेगी सभी कोर्सेज में. इसमें 1.5 ईयर्स तक पर्सनल सपोर्ट, और स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज. प्लस क्या है ना, कोई भी चेंजेस आते हैं तो इसमें 1.5 ईयर्स तक आपको वो फ्री में मिलते हैं. कोई भी नया चेंज आएगा वो वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी,
तो उस चीज का स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है, तो हर तरीके से ये बेनिफिशियल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी को परचेज करते हैं। पहले तो मुझे यहाँ तक लिख के बताओ, ओके लिखो फटाफट अगर यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है, तो क्योंकि क्वेरीज मैं नहीं ले पाऊंगा इस सेशन में शायद आपकी, बट उसको लेटर ऑन देखेंगे हम, कर लेंगे उसको सॉल्व। आप ओके लिखो अगर हर तरह से ओके हो तो, ठीक है ओके। चलिए अब यहाँ पे जो रेफरल वाले सिस्टम का अर्निंग का ऑप्शन है उसको हम बड़े ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अभी मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने वो सिस्टम नहीं रखा है। अब ऐसे देख लेते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है एडवांस सीएसटी, सुपर एक्सपर्ट और गोल्डन क्लब, एरो भी बना रखा है। अगर यू बाय, अगर आप इन तीनों में से कोई कोर्स खरीदते हैं और किसी को रिकमेंड करते हैं सामने वाला कोर्स, एडवांस सीएसटी, सुपर एक्सपर्ट या गोल्डन, तो आपको क्या अर्निंग मिलेगी? एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने परचेज किया है एडवांस जीएसटी, अब आपने किसी को रिकमेंड किया, उन स्टूडेंट ने एडवांस जीएसटी ही परचेज किया, आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा? 1800 रुपीज का, मतलब 3500 रुपीज का कोर्स है, आपको उसमें 1800 रुपए मिल जाएंगे जीएसटी वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद, मतलब आपको 1800 आपके मिल जाएंगे। सुपर एक्सपर्ट दिया तो भी सेम, गोल्डन क्लब आपने किसी और से परचेज किया आपके थ्रू किसी ने, तो भी आपको 1800 रुपीज मिलेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर आपने जीएसटी एडवांस का कोर्स लिया है अगर और आप किसी को रेफर करते हो, अब वो पर्सन चाहे जीएसटी ले रहा है, सुपर एक्सपर्ट ले रहा है या गोल्डन ले रहा है, आपको 1800 रुपीज उसके मिल जाएंगे। अगर आपने सुपर एक्सपर्ट कोर्स लिया, आपने सुपर एक्सपर्ट कोर्स लिया, सामने वाला स्टूडेंट जीएसटी का कोर्स लेता है, तो आपको 1800 मिलेंगे, और सामने वाला स्टूडेंट अगर सुपर एक्सपर्ट या गोल्डन में से कोई लेता है, आपको 4500 रुपीज मिलेंगे एक कोर्स के सेल होने पर। और अगर आपने गोल्डन क्लब ले लिया, तो गोल्डन तो वाकई में सोने की खान हो गया, एक तरह से लर्निंग इतनी, पहले कोर्सेस की स्किल्स से आप इतना अर्न कर सकते हो, है ना, मतलब वो तो लिमिटलेस ही है। और यहाँ पे रेफर करने में भी अगर 3500 का कोर्स किसी ने लिया जीएसटी का, आपको 1800, सुपर एक्सपर्ट का किसी ने लिया 10,000 समथिंग का, तो आपको 4500 रुपए आपको, और किसी ने अगर गोल्डन ले लिया ना आपके रेफरेंस से, 6500 रुपए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फीस भी लिख दी है, एडवांस जीएसटी 3500 का, सुपर एक्सपर्ट इतने का और ये इतने का, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो ये बहुत। और एक चीज और मैं बता दूं, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब मैं इसको बहुत लॉन्ग नहीं स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ। अभी जो मेरा माइंड में, आई वॉन्ट कि एक लिमिटेड टाइम के लिए को कुछ टाइम तक रन करेंगे, जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे उनके लिए वो हमेशा रहेगा, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है अभी। मतलब आपको पहले कोर्स परचेज करना होगा तभी आप किसी को रिकमेंड कर पाओगे। क्यों? अगर आपने खुद नहीं सीखा है, अपने आप नहीं सीखा है, तो अगर आप किसी को बेच रहे हो ना, तो फिर वो दूसरी वेबसाइट्स वाला हाल हो जाएगा, कि वहां वाला सिस्टम हो जाएगा। आप किसी को क्या करोगे, सिर्फ इसलिए बेच रहे होंगे कि आपको कमीशन मिल जाए और सामने वाले को कुछ ही क्वालिटी मिल रही है। जब तक आपने क्वालिटी खुद एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, तो आप ट्रू रिकमेंडेशन नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए गोल्डन क्लब अगर आपने लिया है, तो आपको सभी कोर्सेज के कंटेंट की क्वालिटी पता है, सो उसलिए वहां पे बेनिफिट ज्यादा दिया कि अगर आप गोल्डन लेके किसी को गोल्डन दिला रहे हो, तो मतलब आपने ट्रू रिकमेंडेशन दी है, आपने सही वैल्यूज को समझाया है सामने वाले पर्सन को। और अगर आपने सिर्फ जीएसटी लिया और गोल्डन आपने किसी को सेल कराया, तो वहां पे मतलब आपने सेल कराया, दैट्स गुड, बट शायद आपको सारी क्वालिटी नहीं पता थी, तो इसलिए वहां पे कमीशन छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है, अगर आपने आज जीएसटी लिया, तो कल को आप सुपर एक्सपर्ट में अपग्रेड कर सकते हो, सुपर एक्सपर्ट लिया तो कल को गोल्डन में आप अपग्रेड कर सकते हो, सारे बेनिफिट्स आपको फिर गोल्डन के हिसाब से मिल जाएंगे, मगर वो कॉस्टली पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें चार्जेस थोड़े एक्स्ट्रा जाएंगे, वो जो जाएंगे वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर आप डायरेक्टली ले लो तो बहुत कम कॉस्ट का पड़ेगा, अगर आप बाद में लेते हो तो वो डेफिनेटली आपको थोड़ा कॉस्टली रहेगा, हाँ, बट आप अपग्रेड लेटर ऑन स्टेज पे कर सकते हो। मैं एक चीज कहूंगा, कभी भी चीटिंग नहीं करनी है, हमें दूसरी वेबसाइट्स वगैरह जो है या जो मार्केट में गलत चीज चल रही है उसके जैसा नहीं बनना है, उसको खत्म करने के लिए ही ये सब किया गया है। हमें मतलब कभी तो फेक स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाने कि आज मैंने 1 लाख कमाया, नहीं, आपने अगर 2000 अर्न किए हैं अपने टैलेंट से, मतलब अपने सीए वर्क से, जो आपका टैक्सेशन वाला वर्क हो गया उससे अर्न किए हैं, या आपने रेफर करके किसी को अर्न किया, तो आप शेयर करना चाहते हो एक्चुअल शेयर करो, फेक स्क्रीनशॉट्स हम नहीं शेयर करेंगे, और कभी भी हम गलत मिसलीडिंग वाला कंटेंट नहीं शेयर करेंगे, ये हमारा पर्पस है। और ये कोर्सेज की आपने देखा होगा, मैंने अभी यहाँ पे जो शेयर करूंगा ना, ये थोड़ा पुराना कंटेंट है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा न्यू स्टूडेंट्स का नहीं देखा है। आप चाहो तो प्ले स्टोर पे जाके रिव्यूज चेक कर देना, वहां पे आपको लेटेस्ट सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दीप रॉय का, तो पूरा मैंने इंटरव्यू अपलोड कर रखा, और ये 40-50 मिनट्स का इंटरव्यू है। सो यहाँ पे वो उस टाइम पे
25 लाख अर्न कर रहे थे, तो अभी तो कई गुना ज्यादा है, ठीक है, और जस्ट 19 के। वन ऑफ द स्टूडेंट निशा सिद्दीकी, आई एम ट्राइंग कि इन सबके इंटरव्यू जल्दी लेके आऊँ सो दैट आपको उनका एक्सपीरियंस मिले। सो उनका व्हाट्सएप पर रैंडम मैसेज था, तो 4,000 रुपीज पर डे अर्न कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लो ईयरली अर्निंग अपने आप, और ये सिर्फ मेरे ख्याल से कोर्स कंप्लीट करने के उनके वन मंथ बाद का मैसेज है। एक जी राम बाबू है, मुझे इनका फुल नेम नहीं पता है, ठीक है, ये भी स्टार्टिंग की बात है, जब उन्होंने कोर्स किया था शायद 2 मंथ्स बाद, उन्होंने कहा था 2 से 3 हजार रुपए पर डे अर्न कर रहे हैं पर डे। ये एक स्टूडेंट का ऑफिस है, उन्होंने अपना ऑफिस स्टार्ट कर लिया, मतलब ऑफिस के लिए मैं रिकमेंडेशन ये कहता हूँ, ये रिकमेंड करता हूँ, मतलब कि एकदम मत करो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है दैट्स ओके, फिर आप कर लो, अदरवाइज घर बैठे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपको ऑफिस ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब पैसा आए उसको खर्च मत करो, उसको इन्वेस्ट करो, ऑफिस में इन्वेस्ट करो, सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करो, फिर फर्दर ग्रो करो और फिर खर्च करो। तो आप मुझे एक बार ये बताइए, क्या आप इंटरेस्टेड हो, मतलब क्या आपको लगता है कि इस तरीके का ऑफिस अगर आपके पास हो और सब आपको सर कह के बुलाएं, आपको जगह जगह जाके जॉब अप्लाई ना करना पड़े, क्लाइंट्स आपके पास आपके ऑफिस में आके आपसे काम करवाने के लिए कहें, तो एक अच्छा लगेगा आपको। अर्निंग की बात तो सब बात की है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यस लिखिए, मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट्स यस करते हैं। कोर्स करना ही नहीं करना दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। काफी स्टूडेंट कैसे कह रहे हैं, ये ब्राइटेक्स एक अनदर ऑफिस, उज्जवल सोनी का ही ऑफिस है ये, ठीक है, इनका इंटरव्यू भी आएगा। सो ये इनके ऑफिस का इनॉग्रेशन है, इनका मैसेज है, थैंक यू सर आपने मुझे इस लायक बनाया। देखो आई एम नो वन, आई एम जस्ट हेयर टू गाइड यू, टैलेंट आप में है, मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, मेहनत आपको करनी है। और मतलब ये तो वो सिस्टम है कि कोर्सेज करने के 2-2, 3-3 महीने बाद में ही ये सब हो रहा है, ओवर द टाइम तो फिर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। सो एक सीए फाइनलिस्ट स्टूडेंट है, मतलब सीए फाइनल में होते हुए भी वो ऑफिस ओपन नहीं कर पा रही थी, और ये सब करके उन्होंने इनॉग्रेशन किया, मेरे पास उन्होंने स्पेशली मैसेज किया कि सर आज मैंने ऑफिस ओपन किया। सो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि मतलब सीए फाइनलिस्ट है, सीए अभी क्लियर नहीं हुआ है बट अपने करियर स्टार्ट कर पाए, तो सीए की उस पर नहीं है, अगर मतलब एक सेकेंड ऑप्शन आपके पास है। और ये सभी कोर्सेज में सर्टिफिकेशन मिलते हैं, मतलब साइन हुए भी मिलते हैं मेरे, ठीक है ना, तो वो बात तो है ही। आपको एक चीज मैं अगेन ये कहूंगा कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ये सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, इसकी जितनी रिटर्न ना आपको कोई नहीं देगा। आपने क्या है, एक चीज देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी स्किल बेस्ड है, आपको चाहे इसमें इंटरेस्ट है या किसी में भी, आपने 15,000 रुपए लगाए लेट्स से गोल्डन क्लब में, ठीक है ना, 15,000 इन्वेस्ट करे, कॉलेज में तो लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और फिर कॉलेज अच्छा है तो बात अच्छी है, अदरवाइज मैक्सिमम कॉलेज का हाल क्या है वो मैं मुझे कहने की मतलब कुछ जरूरत नहीं है। 15,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए किस चीज पे, क्या मुझे पे किए क्या, वो बात नहीं है, आपने अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट किए। 15,000 रुपए आप बैंक में जमा करते, प्रॉपर्टी में लगाते, कहीं पे लगाते, कितना हो जाता वो 15,000 का, 1 लाख हो जाता, जो कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ 2 साल में 1 लाख हो जाए, कहीं चमत्कार हो जाए ऐसा, ठीक है ना, कहीं गुना बढ़ जाए, नहीं बढ़ता है ना इतना। आपने अपने स्किल्स में लगाया 15,000 रुपए, आपने अपने अंदर इन्वेस्ट किए, और 2-3 महीने के अंदर आप इतना अर्न करना शुरू कर देते हो कि वो रिटर्न कभी खत्म ही नहीं होगी। अब मैंने सीए के अंदर इन्वेस्ट किया, हो सकता है मैंने उसमें 2-3 लाख रुपए लगाए हो, तो वो 3 लाख रुपए मैंने किसी को पे नहीं किए। आई एम नॉट एवर थिंकिंग कि मैंने उसको सीए इंस्टीट्यूट को पे कर दिए थे, वो मैंने अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट किया, मेहनत भी लगी मेरी और पैसा लगा, तो वो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर था, तो उसके कारण आज जो हूँ उसी के कारण हूँ ना। अगर वो पैसा मैंने 2-3 लाख रुपए कहीं लगाए होते तो कभी भी नहीं इतना हो पाता। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना उसमें एफर्ट्स दे रहे हो, कैसे कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहीं पे अभी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी देखो ये चीज मैं लास्ट में बोलूंगी क्योंकि अभी तक मैं मान के चलता हूँ 70% स्टूडेंट जा चुके होंगे। अगर आप ऑलरेडी ये कोर्सेस कर रहे हैं, आपने परचेस कर लिया है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट लिंक मिलेगा, आपको कोर्स दोबारा परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको कुछ एक नॉमिनल फीस पे करनी होगी और रजिस्टर वहां पे कर लेना होगा। और सेकंड केस, अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप अपना एक सीरियस करियर इसमें बना सकते हो। मैं ये कहूंगा कि चॉइस आपकी है, मतलब जो भी चीजें ऑनेस्टली मैंने आपको बताई है, मैंने कहीं पे भी आपको कोई बड़ा सपना देखने को नहीं कहा या झूठा सपना देखने की बात नहीं कही है,
क्योंकि जो भी चीजें हैं वो विद प्रूफ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। प्लस मैंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि कोर्स लिया और पैसा आ जाएगा, अलादीन का चिराग नहीं है, मेहनत करनी होगी। हाँ, मगर ये आपकी चॉइस है कि 10,000 के लिए 12 घंटे दिन रात लग के मेहनत करनी है या थोड़ी मेहनत करके 10-12 लाख रुपए कमाने, तो ये चॉइस आपकी है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको लगता है तो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और वो लिंक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आप वहां से फटाफट उसको जो भी टाइम है उसके अंदर अंदर उसको अप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए, बाय बाय।